भैयू महाराज आत्महत्याकांड के आरोपी पलक पुराणिक विनायक दुधाले और शरद देशमुख को कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने यह माना है कि इन लोगों ने गंभीर अपराध किया है और भैयू महाराज के खिलाफ साजिश करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। कोर्ट ने यह भी माना है कि ये तीनों मिलकर भैयू महाराज को सुनियोजित ढंग से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। यही वजह है कि गंभीरतम अपराध की श्रेणी में इसे रखते हुए तीनों आरोपियों को फिलहाल जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, यानी अब अभी ने जेल की ही हवा खानी होगी। उल्लेखनीय है कि तीनों आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा यह प्रकरण दर्ज किया गया था कि इनकी ही साजिश के कारण भैयू महाराज ने आत्महत्या की है और इन्होंने साजिश पूर्वक भैयू महाराज के खिलाफ पलक पुराणिक को ब्लैकमेलिंग के लिए अपना हथियार बनाया। इसके बाद पलक पुराणिक द्वारा भैयू महाराज से कई अनुचित मांगें की गई, इसी वजह से भैयू महाराज को आत्महत्या करना पड़ी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।